काफ़ी समय से हम लोग यहाँ पर बस का इंतज़ार कर रहे हैं। बस जो बस है वो अभी तक नहीं आई। हम तकरीबन सुबह 10 बजे से घर से निकले हुए हैं, यहाँ पर स्टॉप पे आके खड़े हुए हैं, लेकिन बस का अभी कोई पता नहीं है वो कब आएगी या कब नहीं, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है वो 1-2 का हो रहा है। लेकिन काफ़ी जो यात्री थे वो तो निकल गए, बट हमारी जो अभी बस वो नहीं आई। दोस्तों काफ़ी देर के बाद इंतज़ार करने के बाद हमारी बस भी आ चुकी है। तो ये देखिए हमारी बस वो खड़ी हुई है और वो यात्री हैं। तो बस अभी आई है। तकरीबन हम लोग सुबह से ही घर से निकल गए थे, हमें बताया गया था कि भाई बस जो है वो 8 बजे आ जाएगी, बट हम लोग 8 बजे जैसे अपने सिटी में पहुँचे तो बस जो है अभी आई है, और अभी मैं आपको बता दूँ तो 5 बज रहे हैं। 10 घंटे से सफ़र करने के बाद हम लोग आके रुके हैं एक होटल पे। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं ये है होटल और ये हमारी बस है और ये यात्री जो कि इस टाइम कुछ नाश्ता कर रहे हैं और कुछ घूम फिर रहे हैं। दोस्तों सुबह के 8 बज चुके हैं और हमें ट्रेवलिंग करते हुए 24 घंटे हो गए हैं, बट हम अभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। बट आपको बता दें कि इस 24 घंटे में हम लोग एक पल के लिए भी नहीं सोए हैं। कई लोग अभी भी सो रहे हैं सुबह सुबह, तो आप देख सकते हैं पीछे कई सो रहे हैं और कई सो के उठ चुके हैं। ये देखिए तो ये कई लोग तो हंसी मजाक में ही अपना सफ़र तय कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग विदिशा पहुंच चुके हैं सुबह सिंध के अंदर। तो अभी यहाँ पर हम लोग जो है वो मंदिर में जाएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक मंदिर है, तो हम लोग अब सब ये प्लान बना रहे हैं यात्री लोग, तो ये कह रहे हैं कि अभी हम जो है वो मंदिर में जाने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी यात्री जो है वो मंदिर की ओर रवाना हो चुके हैं, तो अभी हम लोग जो है वो मंदिर में जाएंगे। वाओ दोस्तों इट्स अमेजिंग, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मंदिर इधर है। तो वहाँ क्या है? मंदिर नहीं मस्जिद। मंदिर नहीं है ये, तो फिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम मस्जिद जा रहे हैं। अच्छा मतलब दरबार भी जा रहे हैं? दरबार से दरबार। चलो देखते हैं, वहाँ पर एक मूर्ति भी है शायद, ये किसकी है आई डोंट नो। सुबह सिंध की ये मार्केट आप ज़रा देखिएगा, ये देखिए। तो यहाँ की लैंग्वेज का भी हमें पता नहीं चलता है कि ये लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, बट हम लोग अभी जो है वो दरबार पे जा रहे हैं। यहाँ पर सामने एक दरबार पर देखिए दोस्तों, ये मार्केट है टोटली, जो भी आपको ये देख रहे हो, ये जितनी भी देख रहे हो ये मार्केट ही मार्केट है। बट अगर बात की जाए दरबार की तो दरबार जो है वो काफ़ी ऊपर है। तो ये देखिए यहाँ पर ये दरबार है, और ये ऐसे अगर मैं लेके आऊँ तो ये जो है मार्केट है। तो दोस्तों यहाँ पर है सस्ती कुनू की दरबार, तो चलते हैं वहाँ पर और ज़्यारत करते हैं सस्ती कुनू की दरबार की। तो चलते हैं रूम के अंदर, देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर तो काफ़ी लोगों की भीड़ है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ हमें देखने को मिलता। तो ये देखिए यहाँ पर देखो दरख्त बना हुआ है, तो ये मूर्ति वगैरह बना हुआ है। आई डोंट नो ये किसकी मूर्ति है, ये लोग बता रहे हैं यहाँ, ये मतलब शशि कुनू, ये कौन है शशि कुनू है ये? हाँ भाई, तो ये है भाई सस्ती कुनू की मूर्ति। अगर मैं करीब से बताऊं तो ये देखिए, और यहाँ पर तो ये तो थी सस्ती कुनू की मूर्ति, बट अब हम इधर चलते हैं यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कुछ हमें देखने को मिलता है। तो ये भी सस्ती कुनू की है, मतलब ये कौन है शशि या पुन्नू? तो भाई ये लोग भी नहीं जानते कि ये है कौन, बट
मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर एक नक्शा पहाड़ का दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ कंकर वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ पर ये देखे तो कुछ आइए आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर मेरे लिए भी मूर्ति बनी हुई है, शायद ये एक टाइम से तो ऐसे लगता है कि ये जैसे पानी में गिर के मर रही हो, इस तरह से उन्होंने ये बनाई है। ये साथ में इन्होंने ससी वगैरह भी रखे हैं की और तो ये मेरे ख्याल ससी है, ससी ससी है, पुन्नू है, ससी ससी है, ये ससी है। तो कंसेप्ट नहीं हो रहा क्योंकि मूर्ति सब एक जैसी है, तो क्या किसी को क्या कुछ भी पता। तो यहाँ पर ससी पुन्नू की आप देख सकते हैं ये मूर्ति, जिसमें ससी पाँव दबा रही है या फिर कुछ कर रही है। यहाँ पर देखिए, खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाओ, इट्स अमेजिंग। यहाँ पर देखिए तो ये मूर्ति फर्स्ट क्लास है। गहने वगैरह लेकर गहने की शक्ल ही नहीं हुई है, बट गहने तो नहीं है। तो आइए हम इस साइड चलते हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ है। ये देखिए यहाँ पर भी मूर्ति वगैरह ही बनी हुई है। ये देखिए और साथ में ये देखिए काफ़ी, यहाँ पर जितने भी ये आप देख रहे हो ये सब हिंदू है और ये सब पंजाब से आए हैं। और जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये सिंध का एरिया है और सिंध हमसे तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर देखिए ये चरखा बना हुआ है, पुराने ज़माने के लोग मतलब चरखे से ही काम वगैरह चलाते थे। ये यहाँ पर ये चरखा चला रहे हैं और यहाँ पर पता नहीं किसकी मूर्ति है, मुझे नहीं पता यहाँ पर, बट ये कुछ मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा सीन देखने में। ये देखिए अच्छा लग रहा है मतलब के। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तो भीड़ है पहले से ही, बट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ कुछ यहाँ पर था वो मैंने आपको विज़िट करा दिया। मुझे नहीं पता है कि कौन ससी है और कौन पुन्नू है, क्योंकि मुझे तो जस्ट एक खाली मूर्ति ही नज़र आ रही है। खैर हम अब चलते हैं बाहर। तो हम लोग इस साइड गए थे बट हम अब इस साइड चलते हैं। इस रूम में तो हमें जो कुछ मिला था वो आपको दिखा दिया, बट अब इधर चलते हैं देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। कुछ भी नहीं, खाली है। तो यहाँ पर टिकट देते हैं और इधर से हम लोग इंटर हुए थे, वहाँ टिकट देते हैं, टिकट लेके फिर हम इंटर हुए। तो यहाँ पर कुछ देखिए फ़ोटो वगैरह बड़ी बड़ी हस्तियों के बने हुए हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जो है वो गुरुद्वारे में आ चुके हैं, तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यहाँ पर भी गुरुद्वारा होगा, बट यहाँ पर गुरुद्वारा है। तो चलिए गुरुद्वारे के अंदर। ये है गुरुद्वारा, मैंने जब ये निशान देखा तो मैंने दूर से ही पहचान लिया कि यहाँ पर गुरुद्वारा होगा। इधर से तो अब हम जा रहे हैं ऊपर की साइड।